नमस्ते। मेंटल हेल्थ सीरीज का ये सेकंड एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते समय अपनी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो उसे कैसे टैकल करें। हमने जो पहली वीडियो जो बनाई थी वो है एग्ज़ाम में जो घबराहट होने लगती है एग्ज़ाम के टाइम पे, या एग्ज़ाम की पढ़ाई करते समय जो एंग्जाइटी हो जाती है उसको कैसे फेस करना, तो वो आप मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स पे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा एंड ऊपर भी यहाँ पे राइट साइड में डाल दूंगा। ये मैथमेटिक्स एनालिसिस और नॉलेज लिबरेट्स की एक मुहिम है कि जो स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है वो सही हो, उसी की ये एक सीरीज़ है, उसका सेकेंड एपिसोड है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सैड, काफ़ी डिप्रेस्ड फील करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। आई अंडरस्टैंड जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। मैंने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। आई अंडरस्टैंड कि किसके थ्रू जाते हैं बच्चे स्टूडेंट्स। तो आप ये जो है आप इसको अगर आप समझेंगे कि क्यों डिप्रेस्ड होते हैं, क्यों सैडनेस आती है, तो आप इसको फेस कर पाओगे। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होता है कि जो सैडनेस होती है वो दो रीज़न की वजह से हो सकती है। एक तो कोई कुछ हुआ है आपके साथ, कोई आपने असफलता, कोई आप अनसक्सेसफुल हुए हैं किसी चीज़ में, जो आप पाना चाहते थे वो आपको नहीं मिला, उसकी वजह से आप सैड हो सकते हो। और वो अगर सैडनेस ज़्यादा देर तक रहे तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और सेकंड है, बिना किसी कारण के आप डिप्रेस या सैड फील कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट उस पर आए कि डिप्रेशन या सैडनेस विद अ रीज़न, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत तैयारी करी और आप फेल हो गए अपने प्रिपरेशन वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, या आप कुछ आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो पर आपसे मैथ्स का कोई सवाल, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ज्योमेट्री का कोई सवाल बन ही नहीं रहा है, ज्योमेट्री का कोई ऐसे सेगमेंट है, ठीक है, तो वो आपसे बन ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ ही नहीं आ रही जितनी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक गोल बनाया है और वो गोल आप नहीं हासिल कर पा रहे, इसके लिए आपको ये सैडनेस या डिप्रेशन हो रहा है। अब देखो, ये चीज़ को टैकल करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि हम ना काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के हम और डिप्रेस सैड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपनी पास्ट के बारे में सोचते रहो कि यार मैंने पास्ट में ये कर दिया, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने उस टाइम अगर पढ़ा होता तो मैं अभी IIT में होता, ये वो, ये सारी चीज़ें आप जो पास्ट की जो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो आप सोच सोच के अगर डिप्रेस्ड होंगे, सैड होंगे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है ना, उसका आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट योर पास्ट, अबाउट पहले क्या हो गया था। बट द थिंग इज बेसिकली द फंडा इज कि आपको वो फोकस करना चाहिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेल हो गए हो तो उस आगे के एग्जाम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आगे के एग्जाम्स के लिए आप अच्छी तरह से तैयारी करो। जो हो गया, पास्ट आपके हाथ में नहीं है, राइट, और फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं है। हमको नहीं पता कि हम फ्यूचर में हम अगर इतना पढ़ भी ले तो आगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने 4 चैप्टर पढ़े उसमें से 2 चैप्टर नहीं पढ़े और आपको डर लग रहा है कि अरे मेरा ये 2 चैप्टर से कुछ आ गया, और पता चला उन 2 चैप्टर से कुछ आया नहीं और आपको 90 मार्क्स आ गए, राइट। तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर को हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि यार ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एंड ऑलवेज हम ना फंस जाते हैं किसी चीज़ में, राइट। बट द थिंग इज दैट कि फ्यूचर जो है वो हमें नहीं पता क्या होगा, और पास्ट भी हमें नहीं पास्ट जो है वो हो गया है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। जैसे धोनी भी कहते हैं कि जो हमको अपने प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से दो, बाकी रिजल्ट के बारे में भूल जाओ, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो कितनी प्रिपरेशन करते हैं पर उनका नहीं होता, और कई लोग होते हैं जिनकी प्रिपरेशन ओके ओके होती है और उनका हो जाता है। हमको सच में नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो हमको आगे रिजल्ट की वो फ्यूचर की सोचनी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जो प्रोसेस है जो अभी हम कर रहे हैं। जैसे एक सेइंग है कि ब्रिक बाय ब्रिक यू मेक द वॉल। फॉर एग्जांपल आपको बहुत ही लंबी दीवार बनानी है, बड़ी दीवार बनानी है, और आप बैठ के सोचते रहोगे यार मुझे इतनी बड़ी दीवार बनानी है, इतनी बड़ी दीवार बनानी है, तो आप तो स्ट्रेस में आ जाओगे और आप दीवार बनाओगे ही नहीं। पर अगर आप सिर्फ आप एक ब्रिक लगाने का कि मुझे बस एक ब्रिक लगाना है अभी, ब्रिक बाय ब्रिक आप बस उस पर फोकस करोगे, तो कब वॉल बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जो प्रोसेस है उस पर फोकस करो, और जो चीज़ें कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये ना प्रॉब्लम पे, यार मैथ्स इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये है, मैथ्स में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैं कभी कर ही नहीं पाता। आप
प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हो, सोल्यूशन पे नहीं। सोल्यूशन क्या होगा कि मे बी मैं ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाऊं, या फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन लगा लूँ, या मैं यूट्यूब पे वैसे वीडियोज देखूँ। आप सोल्यूशन पे फोकस करो ना, आप प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देने लगते हो। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, भगवान के भरोसे या जिसके भी है। फेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भरोसा है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। कितनी सारी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, आई विल से कि 70-80% चीज़ें जो जिंदगी में तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो उनके बारे में सोचोगे तो कहाँ ही यार फंसे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ें हैं जो तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसका 100% दो। अगर तुम किसी कभी को तुम गोल नहीं अचीव कर पाए तो उस गोल को अपना 100% 200% देने लगो कि ठीक है मैं गोल अचीव नहीं कर पाया, मैं अपना 200% दूंगा और अगले एग्जाम में 6 मार्क्स लाऊंगा। सैड होकर बैठोगे तो पक्का अगला एग्जाम भी तुम्हारा खराब हो जाएगा। कई लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव बिलीव रखो। देखो पॉजिटिव बिलीव रखने से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा इसका जरूरी नहीं है, पर अगर पॉजिटिव बिलीव रखोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो कम से कम तुम्हारे अंदर एनर्जी तो आएगी ना उसको ट्राई करने में। अगर तुम पहले ही सोच लोगे कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी ट्राई करने की, राइट? तो तुम पॉजिटिव बिलीव रखो कि मैं कर सकता हूँ और अपना 100% दो, रिजल्ट को भूल जाओ, ठीक है? अगर तुम फेल भी होते हो तो जो फेलियर में सीखो, धोनी भी ऐसे ही करता है कि कोई अगर मैच है उसमें वो हार गया तो वो देखता है कि अच्छा हमने क्या गलती करी, और नेक्स्ट मैच में वो गलती नहीं करने की कोशिश करता है। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे बनते हो। किसी को क्रिकेटर बनना है, इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो वो सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता ना, पहले स्कूल क्रिकेट खेलता है, फिर क्लब क्रिकेट खेलता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर रणजी, फिर इंडिया ए, ऐसे धीरे धीरे करके लेवल बाय लेवल ना। तो आप धीरे धीरे करके लेवल बाय लेवल ट्राई तो करो। एक लेवल में अगर आप फेल होते हो तो उससे सीखो और वापस ट्राई करो। इट इज नॉट नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द स्काई हैज नेवर फॉलन एंड इट विल नेवर फॉल। आसमान नहीं गिरा है वो नहीं गिरेगा। कुछ अगर आपके साथ गलत होता है, फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो जाते हो, तो वापस उठो और ट्राई करो, नेवर गिव अप। डिप्रेशन में रहोगे, सैडनेस में रहोगे तो उधर ही पड़े रहोगे। सोच लो जब आप बहुत ही सैड होते हो तो आपको क्या मन करता है, बिस्तर में पड़े रहने का ही मन करता है ना। तो आप ये समझ लो कि ये जो है ना आपकी चॉइस है, आप खुद से सैड हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि सैडनेस खुद से आ रही है। आपने एक गोल बनाया, आप गोल नहीं अचीव कर पाए तो आपको विचार आने लग गए कि यार मैं तो गोल अचीव नहीं कर पाया, कुछ फायदा ही नहीं है मेरा, और आप सैड हो गए। तो पहले क्या हो रहा है कि आपने एक गोल बनाया, गोल में अचीवमेंट नहीं हुई, इसके लिए आप सैड हुए, ठीक है? पर अगर उस टाइम पे जब आप सैड हो रहे हो तो आप अपने आप को बोलोगे कि ठीक है मैंने क्या गलती करी, मैं देखता हूँ एंड मैं वापस और ट्राई करूंगा, मतलब 2 गुना और एफर्ट डाल के ट्राई करूंगा। तो फिर आपको क्या होगा कि आपको सैडनेस फील नहीं होगी, आपको एक मोटिवेशन टाइप फील होगा कि ठीक है मैं अभी फेल हो गया हूँ, मैं और अच्छी तरह से ट्राई करूंगा। तो दो भाई थे, एक भाई, वो दोनों भाई 11th में फेल हो गए। एक ने सोचा यार मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, उसने दुकान पे बैठ गया वो, ठीक है, किराने की दुकान पे। दूसरा बोलता कि नहीं मैं 11th में फेल हो गया हूँ, मुझे दिखाना है लोगों को और मैं अपने आप को भी मुझे दिखाना है, मुझे 100% देना है। उसने अच्छी तरह से अगली बार 11th पास कर ली, 12th पास कर लिया, IIT ज्वाइन कर लिया। तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर को फोकस करो, 100% दो, ठीक है? सेकेंड जो होता है कि कभी कभी जो हमको जो डिप्रेशन सैडनेस हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या रीजन है, ठीक है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा है, वो है ना क्या होता है कि उनको वो जा रहे होते हैं हंटिंग करने के लिए, और उनको ना एक कहीं से कोई तीर लगता है, ठीक है? तीर उनको इधर शोल्डर पे लगता है और वो गिर जाते हैं। तो बुद्ध जो होते हैं, गौतम बुद्ध, वो भी पीछे से आ रहे होते हैं। तो वो है ना बोलता है कि अरे, जोर जोर के चिल्लाता है कि अरे मेरे शोल्डर पे बाण लग गया। तो वो बुद्ध आते हैं और बोलते हैं कि अरे इसका इलाज करना चाहिए। पर राजा बोलता है कि नहीं, ये किसने मारा, पहले पता करो किसने मारा किसने मारा। वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि पहले इलाज तो कराओ। वो कहता नहीं, मैं तब तक इलाज नहीं कराऊंगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा। पर वो इंसान जिसने मारा होता है, पता नहीं कहाँ से तीर आया होता है, वो पकड़ा ही नहीं जाता और राजा मर जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि पहले जो जख्म है उसको तो ठीक करो, वो क्यों है क्या है वो उसको भूल जाओ। अगर तुम्हें सैडनेस डिप्रेशन फील हो रहा है तो ये सोचने की जगह कि मुझे क्यों हो रहा है, मैं सैड क्यों हूँ, मेरे क्या हो गया मेरी जिंदगी में। कभी कभी जो होता है ना, हमारी जो बॉडी, हमारी बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, तो कभी कभी हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल आप ठीक से पानी नहीं पी रहे हो, या आप अच्छा खाना नहीं खा रहे, हेल्दी खाना नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी ऐसे बुरा फील करती है, ठीक है? आपकी बॉडी जो है वो मतलब सैड डिप्रेस्ड हो सकती है।
वो आपकी बॉडी और आपका माइंड जो कनेक्टेड है, बॉडी खराब फील करे तो माइंड भी खराब फील करता है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, मे बी गो फॉर अ वॉक। अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो ब्रेक लो, वॉक पे जाओ, बाहर जाओ, अगर कोई गार्डन वगैरह है नेचर की तरफ उधर जाओ, ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद आप ना एक्सरसाइज कर सकते हो। जो डिप्रेशन है ना, जो सैडनेस है, वो लो एनर्जी स्टेट है। उसमें हमारी बॉडी एक लो एनर्जी स्टेट और बहुत ही हमारा मूड बहुत ही लो हो जाता है। पर अगर आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, तो आप खुद देखना, जब एक्सरसाइज करते हो एंडोर्फिन्स हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं आपकी बॉडी में, जिससे आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। तो आपको अच्छा फील होगा, आपका डिप्रेशन खुद वो निकल जाएगा। जब हमें नहीं पता चल रहा कि विदाउट रीजन, विद रीजन वाला भी हो, आपको पता है कि चलो मैं फेल हो गया, उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है, सैडनेस हो रही है, तो भी अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे, देखो अपना गोल तो अचीव करने की कोशिश करो ही, बट साथ में ये एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, उससे भी फायदा होगा। हमको दोनों तरफ से अपने डिप्रेशन को अटैक करना है, एक तो जो गोल है हमारे गोल्स को अचीव करके भी, और सेकंड ये सारी जो टेक्निक जैसे वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, अपने दोस्तों से बात करना, ठीक है। कई लोग जो होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो अपने दोस्तों से फैमिली से बात करना बंद कर देते हैं। ऐसी गलती मत करना, अपने आप को सोशली आइसोलेट मत करो। सोशली आइसोलेट करोगे तो और फंसोगे, तो सोशली आइसोलेट नहीं करना है अपने आप को, और अपनी बॉडी को समझना है, अपनी बॉडी का ध्यान दोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम गंदा खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, उल्टी फुल्टी तुम्हारी अगर आदतें होंगी तो तुम्हारी बॉडी खुद खराब फील करेगी। पर अगर तुम अच्छी, अगर तुम्हारी आदतें हैं, अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो तुमको अच्छा ही फील होगा। तो अपनी बॉडी का ध्यान दो, अपनी माइंड का ध्यान दो, तुम्हारी बॉडी और माइंड तुम्हारा ध्यान देगी, ठीक है। मेडिटेशन प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो, मेडिटेशन करोगे, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज है वो भी कर सकते हो। मेरी चैनल पे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की वीडियो है, वो देखो, उससे आपको काफी फायदा होगा। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी आप पढ़ाई के दौरान भी आप यूज कर सकते हो, उसे उससे आपका फोकस बढ़ेगा और आपको और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो वो भी आप ट्राई करना, ठीक है। तो आई होप आप सैडनेस को समझ गए हो कि सैडनेस क्यों होता है। अगर आपका कोई गोल है उसमें आप अगर हार गए हो तो टेंशन मत लो, वापस और मेहनत करो, ठीक है। और एक्सरसाइज भी करो, वॉक पे जाओ, अच्छी आदतें करो, अपने दोस्तों से बात करो। जब सैड मूड है, ठीक है, तो दोस्तों को फोन लगा लिया करो, या दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले जाओ, या कभी कभी एक मैं क्या होता है कि कभी कुछ तुम्हारा जो पसंदीदा खाना है वो खा लो। पर इसमें ये चीज़ है कि पसंदीदा खाना तुम खाते रहे तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, तो हमेशा नहीं करना है। कभी ऐसा है कि तुम तो महीने में 4 बार सैड हो गए, तो कभी वॉक पे चले गए, कभी कुछ अच्छा खा लिया, ठीक है। अच्छा भी अगर हेल्दी खाओगे, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मुझे पसंद है मखाना, मैं रोस्टेड मखाना खा लेता हूँ, या मैं रोस्टेड पीनट्स खा लेता हूँ, तो ये सब हेल्दी चीज़ें ही है, राइट। तो हेल्दी चीज़ें ही खाओ, हेल्दी खाओगे, बॉडी हेल्दी होगी तो माइंड भी हेल्दी होगा, ठीक है। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा, कुछ ना कुछ आप समझ लो कि आपको क्या पसंद है। हॉबीज भी, अगर हॉबी भी आप रखते हो, देखो तो फ्री टाइम पे अगर आप बैठोगे ना, तो ज्यादातर फ्री टाइम पे नेगेटिव थॉट ही आते हैं। तो अपने अगर आप फ्री बैठते हो और बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मे बी आप कुछ हॉबी कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझको बुक रीडिंग पसंद है, तो मैं बुक रीडिंग कर लेता हूँ, या मैं लॉन्ग वॉक पे चले जाता हूँ और साथ में ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, तो वो सब आप कर लो। या ये वीडियोस बनाना भी, जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस बना लेता हूँ। तो अपने आप को एंगेज रखो प्रोडक्टिव हेल्दी एक्टिविटीज में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे, सैडनेस से घबराओ मत, उसको फेस करो, समझो कि सैडनेस क्यों हो रही है। और अगर समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो मैंने आपको बताया टेक्निक्स वो यूज करो, ठीक है। जो आप अपने गोल्स है, अगर आप अपने जब ड्रीम्स जब अचीव नहीं होते तो सैडनेस होता है, और वो लंबे समय तक अगर सैडनेस रहेगा तो वो डिप्रेशन का रूप ले सकता है। तो आपको डिप्रेशन वगैरह जैसे शब्दों से डरना नहीं है, आप अपनी अपने पे काम करो, अपनी शक्ति बढ़ाओ, तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनो, तो ये डिप्रेशन ये सैडनेस भी चले जाएगा। इन सब शब्दों में, डिप्रेशन सैडनेस में ज़्यादा मत घुसो, बस तुम अपना 100% जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, और उसको अचीव करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं आपके साथ हूँ हर कदम पे, आप मेरी वीडियोस देखो, और आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वो भी कीजिए। मैथमेटिक्स एनालिसिस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो उनके साथ भी आप रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।